ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुप्पे चुप न हो वही जे लाए रहा लगतार पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्याण पालक हो हे ता इक न चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। हम यहाँ किसी किस्म का बर्दाश्त करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज की हमारी ये मीटिंग कानून को चैलेंज करने के लिए नहीं बल्कि सरकार से ये अपील करने के लिए है कि वो अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करें और हमारे लीडर साहब बात है 1919 की 13 अप्रैल की जलियांवाले बाग की जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी जिस दिन एक बाप चीखा था जिस दिन बच्चा चिल्लाया था जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां बिफर कर बोली थी ने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस सर फसल को मुंह से भी लगाया तो ओ जमीन हमारी ओ मिट्टी हमारी ओ खेत हमारे तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए हमारा खाद डालकर हमारा पानी डालकर इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान गुंजा देती ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खियां पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निकाहे करके बैठी होगी जहां कटी है हमारी फसल जहां उजड़े हैं हमारे खेत जहां वीरान हुई है हमारी बैसाखी उस जलिया के बाग में जिसके मिट्टी को आज सुबह मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया ओ गांधी हमारे महात्मा
करते हैं हम हमारे बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ उन्हें और बदला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मजाज कुछ